गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज एट होम. बच्चों, टेक आउट योर साइंस बुक्स. वी वर रीडिंग चैप्टर 7, फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें बच्चों हमने फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आइए एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जो है हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी होती है, दे हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, दे डू नॉट फ्लो, दे डू नॉट स्प्रेड. मींस इनकी साइज और शेप जो होता है वो फिक्स होता है, ये कहीं भी फ्लो नहीं करते, बहते नहीं हैं और स्प्रेड नहीं होते, फैलते भी नहीं हैं. लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो कैन फ्लो, चेंज दियर शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं. जैसे ग्लास में रखा हुआ है तो वो ग्लास के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, बाउल में है तो बाउल के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेंगे. गैसेस में क्या होता है, दे आर इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज, इनकी साइज फिक्स शेप नहीं होता. नेक्स्ट है स्प्रेड आउट और फ्लो टू फिल स्पेस, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह स्पेस को फिल करने के लिए इधर उधर चली जाती हैं. ठीक है, थीके? अब देखिए, सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन. ठीक है, तो ये आपको करना है. तो पहले में आपका क्या दिया हुआ है, लाइम जूस, टी, शुगर एंड आइस क्यूब. तो बच्चों सबसे पहले आपका आइस क्यूब, शुगर क्यूब जो है वो जो है ऑड है. क्यों ऑड है? क्योंकि शुगर क्यूब जो है सॉलिड है, बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में है. आइस, पेंसिल, स्मोक, टेबल. तो आइस, पेंसिल और टेबल जो है वो आपका सॉलिड है, स्मोक जो है वो आपका कैसे है, गैस फॉर्म में है. वाटर, स्टीम, मिल्क, हनी. वाटर, स्टीम, मिल्क, हनी में स्टीम आपका वेपर है, इसलिए ऑड है. ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट आपका, इंक, ब्रिक्स, बुक, ब्रेड. तो इंक इज ऑड बिकॉज इट इज लिक्विड एंड रेस्ट आर सॉलिड. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. इसको आपको अपनी बुक में पेंसिल से फिल आउट करना है. नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ मैटर. यूजेस ऑफ मैटर में आइए देखते हैं कि मैटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और किस तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. दस मैटर इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. मैटर जो है हर एक चीज़ पूरे हमारे अगल बगल की हर एक चीज़ जो है वो मैटर में आती है, क्योंकि हर एक चीज़ का मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती ही करती है. तो जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड में हैं वो सारी हमारी मैटर में आती हैं. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, बर्ड्स, शूज, बुक एट्सेट्रा आर मैटर. ये सभी मैटर हैं. ऑल थिंग्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ आर मैटर. जो भी हमारी डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी मैटर होती हैं, लाइक क्लोथ्स, शूज़, टॉयज़, बुक्स, हाउस, स्कूल. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, हमारी जो भी यूज़फुल की चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं. ठीक है, तो हम मैटर के बिना नहीं रह सकते. वाटर, लिक्विड वाटर में देखिए, ये तो सॉलिड मैटर की बात हो गई. वाटर बिना पिए हम इसको रह ही नहीं सकते, ज़िंदा ही नहीं बचेंगे, तो ये भी ज़रूरी है. तो ये भी मैटर ही है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है. एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं वो भी मैटर है, तो वो भी हमारी इशेंशियल चीज़ है. ठीक है, इशेंशियली यूज़ करने वाली चीज़ है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आज की कॉपी वर्क की. तो बच्चों सबसे पहले आप चैप्टर नंबर डालेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है आपका, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे चैप्टर 7, फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक, इसको लिखने के बाद आप ये की टर्म, आप ये 4 की टर्म अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. ठीक है, तो आपका पहला वर्क है कि आपको सर्कल द ऑड वन आउट बुक में करना है. सेकंड थिंग है कि आपको की टर्म्स कॉपी में करने हैं. कहीं कोई भी डाउट होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.